को फिर मंदिर मस्जिद क्यों खोल दिया आपने? आपने पब रेस्टोरेंट क्यों खोल दिया? आपने मूवी थिएटर क्यों खोल दिए? शिक्षा के मंदिर पर आप कब तक ताला लगाएंगे? किसी की परीक्षाएं लेट हो जाती है, रेलवे की परीक्षाएं लेट हो जाती हैं, पर्चे भर जाते हैं, पर्चों का रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो फिर नामांकन नहीं आता, नामांकन आ जाता है। एक कॉन्वर्सेशन, एक डिबेटिंग कल्चर रहा है डीयू का, जेएनयू का, एएमयू का, जामिया का, ये खत्म कर रही है। और मोदी सरकार किसी एक चीज से बहुत डरती है तो वो है सवाल से। सवाल से डरना इनकी नीति रही है। छात्र बैठे हैं, वीसी को कोई सुध नहीं है, वीसी आते हैं सफारी से, उस गेट से चले जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था किसके लिए बदली गई? बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसों के लिए बदली गई, अंबानी अडानी के लिए बदली गई, आम व्यवस्था कहाँ है? यही कह रहे हैं मोदी साहब, हम रोटी कपड़ा तो आपको दे देते हैं, शिक्षा से आपको वंचित रखते हैं, क्योंकि शिक्षा आ जाएगी तो आप में लड़ने की एक कहीं ना कहीं नीति आ जाएगी, लड़ने की एक स्वभाव आ जाएगी, और मोदी साहब उसी से डरती। टमाटर 100 हो गए, हमारे घर में टमाटर नहीं आ रहा है, माता जी फोन करके कहती है बेटा चटनी नहीं बन पा रही है, आज आलू से छौंका लगाएंगे। तो यही तो विकास है, यही तो विश्व गुरु बनी है भाई जी। खुद समझ में आ गया कि आप दूरदर्शन 1990 में देखिए या 2021 में, आज तक फर्क कुछ नहीं है, दोनों मोदी की ही वकालत करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट आ रहे हैं, आपको भी लगता है कि डीयू रीओपन हो? बिल्कुल ओपन हो, क्यों नहीं ओपन हो। देखिए कोरोना के नए वेरिएंट तो आते रहेंगे, कोरोना क्या है, एक इमर्जिंग प्रोसेस में है ना, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है हर एक वेरिएंट का, तो कोरोना के हर वेरिएंट का ये हो रहा है, वहाँ पे एक इमर्ज कर रही है, एक साइकिल है, बायोलॉजिकल साइकिल से एक वायरस म्यूटेट कर रहा है खुद को। अब क्या है कि अब कुछ लोगों में ये भी एक बहुत सवाल चल रहा है कि ओमिक्रॉन एक वेरिएंट आ गया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने कह दिया है, तो सरकार इसका निवारण करे, सरकार एयरपोर्टों पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था बढ़ाए, सब चीज को सुचारू रूप से चलाए। तो डीयू बंद करके यही तो व्यवस्था। तो आप तो फिर मंदिर मस्जिद क्यों खोल दिया आपने? आपने पब रेस्टोरेंट क्यों खोल दिया? आपने मूवी थिएटर क्यों खोल दिए? आपने अर्थव्यवस्था के ताले खोल दिए? शिक्षा पर मंदिर बंद है, शिक्षा के, हमारा तो मंदिर ये है ना, शिक्षा के मंदिर पर आप कब तक ताला लगाएंगे, है ना? तो ये सरकारी नियम है, सरकारी नीति है, कहीं ना कहीं मोदी साहब जो लुटियंस दिल्ली में बैठे हैं, एसी का हवा खा रहे हैं, काजू के आटे की रोटी खा रहे हैं, तो उनको तो लगता है कि छात्रों को घर पर बैठाया जाए। ये वही मोदी साहब है, 1974 में नव निर्माण आंदोलन इनका चला था, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक संघर्ष किया था। नहीं, मोदी सरकार का दावा है कि युवाओं के दम पे नया इंडिया बनाएंगे। कहाँ नया इंडिया बन रहा है, हम ही तो हैं युवा, बैठा तो है युवा, कहाँ युवा बैठा नहीं है? बंगाल में नहीं बैठा है, उत्तर प्रदेश में नहीं बैठा है, बिहार में नहीं बैठा है, कहाँ नहीं बैठा है? SSC की परीक्षाएं लेट हो जाती हैं, हाँ, रेलवे की परीक्षाएं लेट हो जाती हैं, पर्चे भर जाते हैं, पर्चों का रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो फिर नामांकन नहीं आता, नामांकन आ जाता है तो जो पत्र है, एप्लीकेशन लेटर है, वो नहीं आता, वो उसको आने में 2-2 साल लग जाते हैं। कहाँ युवा परेशान नहीं है? देश का युवा तो बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल हताश है, मोदी साहब लुटियंस दिल्ली से नीति, हाँ, फिर भी बीजेपी के साथ है। बिल्कुल बीजेपी के साथ नहीं है, देखिए तख्ता सत्ता पलट हो रही है, बंगाल में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में इंशाल्लाह इनकी सरकार जाएगी, है ना? तो धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी प्रभुत्व जमा रही हैं, जनता डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से, अपने वोट के अधिकार से सरकार को बता रही है कि हम आपकी नीतियों की मुखालफत करते हैं, और बिल्कुल कर रहे हैं, जो भी हमारा डेमोक्रेटिक राइट है उसकी हम मुखालफत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह तब तक करते रहेंगे जब तक भारत में लोकतंत्र रहेगा। डिसिडेंट और प्रोटेस्ट को डिमोनाइज करना इस सरकार की नीति रही है, आजाद भारत में इस सरकार से ज्यादा किसी ने, इससे सरकार को क्या मिलेगा फिर? सरकार ऐसा क्यों चाहे? सरकार इसलिए चाह रही है कि सरकार लोकतंत्र खत्म करना चाह रही है, जो बच्चों में एक समन्वय है, बच्चों में जो एक कॉन्वर्सेशन, एक डिबेटिंग कल्चर रहा है डीयू का, जेएनयू का, एएमयू का, जामिया का, ये खत्म कर रही है, ये कह रही है एंटी नेशनल स्पेस है, हाँ, देशद्रोह का इन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर दिया है कि आप भाजपा नेशनल ऑफिस जाइए, आप वहां से देशद्रोह का सर्टिफिकेट लाइए, क्योंकि देश का प्रमाण पत्र तो भाजपा वाले लेकर घूम रहे हैं, है ना? क्योंकि भाजपा के हिसाब से तो जो भाजपा किस पर चल रही है, भाजपा के स्तंभ क्या है, गोलवलकर है, सावरकर है, तो जो सावरकर और गोलवलकर की पूजा करते हैं वो देश प्रमाण की पत्रिका बांट रहे हैं, ये खुद ही में अपने बहुत बड़ा एक विरोधाभास है, विस्मयादि बोधक है कि नहीं? तो ये लोकतंत्र का ये जो हनन कर रहे हैं, ये जो फांसीवाद का नया जन्म हो रहा है, तो इस पर कई लेख हैं, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, जनता को आकर्षण में लाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सवाल पूछने पड़ेंगे। और मोदी सरकार किसी एक चीज से बहुत डरती है तो वह है सवाल से। सवाल से डरना इनकी नीति रही है, इनके इनकी जो पार्टी का इतिहास रहा है, इनके जो नेता रहे हैं सवालों से हमेशा डरे हैं, अब सवालों से डरने के कारण इन्होंने राष्ट्रवाद आ गया, संस्कृति आ गई, राम आ जाते हैं, सब आ जाता है, लेकिन सवाल मत पूछिए भैया। एक युवा है आप बताइए कि भारत कितना बदला 2014 के बाद आप, क्योंकि इनका दावा है कि भारत तो पीछे की ओर बदला ना, महंगाई वहीं है, तेल के दाम आज आसमान छू रहे हैं, टमाटर 100 रुपया हो गया,
कहाँ है देश का युवा, बेरोजगार है देश का युवा, किसको नौकरी मिल रही है? अगर ऐसा है तो 2014 के पहले पूरी भीड़ सड़क पे उतर जाती थी, अभी क्यों नहीं उतर रही? क्योंकि सरकार डरा रही है। सीएनआरसी में क्या हुआ? लाठी चार्ज हुआ, जामिया में पुस्तकालय में पढ़ रहे बच्चों पर निर्ममता से बर्बरता से हमला हुआ, छात्र डर गया है। कुछ छात्रों में है कि वो जो एक भगत सिंह की जो विरासत है वो बनाए रखी है, भगत सिंह के लहू को, अम्बेडकर के लहू को हम बना कर रखे हैं, तो हमें डर नहीं है। जब तक हमारी जीवन रहेगी, जब तक ये आत्मा है, जब तक शरीर है, तब तक छात्र सड़क पर बैठेगा। अच्छा, डीयू कैंपस बंद है, इसके लिए डीयू प्रशासन जिम्मेदार है या सरकार को मानते हैं आप? जी ये तो देखिए, ये डीडीएमए की कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। ये जो चोर दरवाजे से सरकार अपना हाथ डालती है, वीसी चैम्बर के थ्रू अपने नीतियों को आगे बढ़ाती है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भी उतनी एक भागीदारी है, वीसी की भी उतनी ही भागीदारी है। अभी 20 दिन से छात्र बैठे हैं, वीसी को कोई सुध नहीं है। वीसी आते हैं सफारी से, उस गेट से चले जाते हैं, उनको लगता है कि छात्र तो बैठे हैं, चिल्लाएंगे जाएंगे। ऐसे ही इनके जो प्रधानमंत्री थे, उनको लगा कि किसान आए हैं, 10 दिन में चिल्लाएंगे, टीकरी छोड़कर चले जाएंगे। वापस में इनको 19 नवंबर सुबह 9 बजे माफ़ीनामा लेना पड़ा। एक सावरकर थे, एक प्रधानमंत्री हैं, माफीनामा की विरासत इनकी छूट नहीं रही। तीन कानून वापस ले लिए, किसानों का दर्द समझा ना प्रधान? कहाँ दर्द समझा, किसानों को तो प्राइस डिस्कवरी का मेन इशू था ना। ये तो जो तीन कानून थे, ये निगमीकरण के ओर बढ़ा रहे थे भारत की लोकतंत्र को और भारत की किसानी को। किसान कह रहा है मंडी को सशक्त करिए, मोदी कह रहे हैं मंडी को खत्म करिए, तो कहाँ सशक्त हो रहा है? राजनीति करने लगे हैं। राजनीति ही तो करते हैं ना। जब बच्चा पढ़ेगा, जब समाज का अवलोकन होगा, मूल्यांकन होगा, जब मोदी 1974 में करते थे तो वह राजनीति नहीं, समाजवाद था। आज जब यहाँ छात्र कर रहे हैं तो इसको राजनीति कह देते हैं, है ना? तो यही तो है नया भारत, विश्व गुरु तो यही है ना भारत। पढ़ाई छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। किसने कहा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं छात्र? हमारे 2 सेमेस्टर में हमें अव्वल नंबर आया है, 8 CGPA से यहाँ पे लोग बैठे हैं। किसने कहा नहीं पढ़ने दिया जा रहा है? अरे माफ कीजिएगा, किसने कह दिया कि छात्र नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। समय निकाल पर सड़क पर पढ़ रहे हैं, घरों पर पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा का जितना हो सके उतना सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन अपनी उसकी सीमाएं हैं, उस सीमा को हम लांग नहीं सकते। शिक्षक सीमा को लांग नहीं सकता, शिक्षक भी कहीं ना कहीं उस हथकड़ी में, उस जाल में फंसा हुआ है, छात्र भी उसी जाल में फंसा हुआ है। तो अब शिक्षक क्योंकि डर गया है, अभी डूटा के चुनाव में उसकी अलग एक राजनीति, उसकी अलग एक धारणा है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अभी छात्र जो बैठा है, छात्र जानता है उसका लोकतांत्रिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, तो हम शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं, 20 दिनों से कर रहे हैं, और हम तो तब तक करेंगे जब तक नोटिस नहीं आ जाता। और हम देखेंगे कि वीसी के अड़ियल रवैये को कब तक ही अब आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नए वीसी हैं, है ना? पुराने वीसी तो गए, नए आए हैं ताना बाना लेकर, कब तक चलेंगे हम भी देख लेते हैं। छात्र तो वही है जो 1974 में था, आज 2021 में भी है, बस फर्क विचारधारा का है। अच्छा, NAP का जिक्र किया गया अभी हमारे भाई के साथ, जी, उन्होंने कहा कि इससे जो है पिछड़ा तबका जो है वो और पीछे हो जाएगा। बिल्कुल पीछे हो जाएगा, एक्सप्लेन करिए थोड़ा। पीछे देखिए, जैसे NAP में इन्होंने बहुत चाक चौबंद से कह दिया, बड़े ताने बाने के साथ कह दिया कि जो है कि 3 साल में है एंट्री एग्जिट का स्कीम हमने लगा दिया है। भाई साहब, आप आइए, आप जाइए, बराती हो गए, सराती हो गए, है ना? इन्होंने एक विभाजन बना दिया, पहले साल में आपको डिप्लोमा कर देंगे, दूसरे साल में सर्टिफिकेट कर देंगे, तीसरे साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। अब बताइए, अगर मैं लड़की होता, मैं शोषित वर्ग से आता, 1 साल बाद हमारे पिताजी मेरी कान पकड़ के कहते कि चलिए बेटा आपकी शादी करा लेते हैं, डिप्लोमा तो आपने कर लिया, तो लड़की की तो शिक्षा हो गई, है ना? सरकार ने अपनी छाती पीट ली, कुट के पीठ को थपथपा लिया कि देखिए हमने महिला की शिक्षा के लिए कितना काम किया, और ये सरकार ने जो है कहीं ना कहीं कन्यादान के हिसाब से नीतीश सरकार ने ये कह दिया कि देखिए भैया हम कन्यादान भी देंगे। तो आप जो स्थिति है उसका मूल्यांकन कीजिए कि कन्या का ये लोग सशक्तिकरण कर रहे हैं कि कन्या के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अच्छा, मांग उठती रही शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहिए, जब शिक्षा व्यवस्था बदली गई फिर भी आप लोगों को दिक्कत? शिक्षा व्यवस्था किसके लिए बदली गई? बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसों के लिए बदली गई, अंबानी अडानी के लिए बदली गई, आम व्यवस्था कहाँ है बताइए? आम व्यवस्था है? इन्होंने नई शिक्षा नीति में रिजर्वेशन तो लाया ही नहीं, गरीब छात्र कहाँ जाएगा? सैनिटेशन वर्कर का, मैनुअल स्कैवेंजर का बच्चा कहाँ जाएगा? कितने प्रतिशत बच्चे हैं DU में जो मैनुअल स्कैवेंजर के बेटे हैं, और कितनी बार वो गर्व से और गौरव से कह सकते हैं कि मेरे पिताजी मैनुअल स्कैवेंजर हैं और मैं नहीं करूँगा? एक बहुत अच्छा एक लाइन था आदम गोंडवी साहब का, बहुत पहले उन्होंने कहा था
कि देखिए गरीब को शिक्षा दे दीजिए, रोटी और कपड़े की दुहाई मत दीजिए, क्योंकि शिक्षा गरीब के पास आएगा तो गरीब रोटी और कपड़ा तो छीन के ले लेगा। और अब यही कह रहे हैं मोदी साहब, हम रोटी कपड़ा तो आपको दे देते हैं, शिक्षा से आपको वंचित रखते हैं, क्योंकि शिक्षा आ जाएगी तो आप में लड़ने की एक कहीं ना कहीं नीति आ जाएगी, लड़ने की एक स्वभाव आ जाएगी, और मोदी साहब उसी से डरती है। अच्छा, एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है देश में निजीकरण को लेकर, आप छात्र हैं, युवा हैं, आप कैसे देखते हैं निजीकरण? निजीकरण किसके लिए हो रहा है, निजीकरण का फायदा किसको मिल रहा है? तेजस एक्सप्रेस इन्होंने चला दिया, अंबानी अडानी को उन्होंने पोर्ट बेच दिया, बढ़िया सुविधा के साथ। कहाँ बढ़िया सुविधा है भाई साहब, हमें तो नहीं दिखता। भारतीय रेल को सशक्त करने की जगह इन्होंने कहा कि अब हम बोगी बेचेंगे अंबानी को, बोगी बेचेंगे अडानी को, पोर्ट बेचेंगे रिलायंस को, अनिल अंबानी के जेब में पैसा जाएगा। गरीब वही मजदूर है, पहले 350 में करता था, अब इन्होंने कहा कि 50,000 नौकरियां आ गई, अब 400 रुपया मजदूरी मिलेगी। 50 रुपये का इन्होंने जो दर बढ़ा दिया है, इसको ये विकास कहते हैं। 5 साल में इससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है भैया। टमाटर 100 हो गए, हमारे घर में टमाटर नहीं आ रहा है। माताजी फोन करके कहती हैं बेटा चटनी नहीं बन पा रही है, आज आलू से छौंका लगाएंगे। तो यही तो विकास है, यही तो विश्व गुरु बनी है भाई देश। फिर भी बीजेपी का जनाधार बढ़ा हुआ है ना? कहाँ जनाधार, मैंने तो कह दिया ना, उदाहरण सहित मैंने कह दिया, सत्ता से तो ये लोग वंचित हो रहे हैं। अभी इनको लोग उत्तर प्रदेश सर्वे देखा था आपने? एबीवीपी का मैं सर्वे क्यों देखूंगा, मैं निष्पक्ष सर्वे देखूंगा ना, जो देश की सही नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। देखिए गोदी मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है ये तो जनता में आया ना, ये कहाँ पॉलिटिसाइज हुआ? जनता को खुद समझ में आ गया कि आप दूरदर्शन 1990 में देखिए या 2021 में, आज तक फर्क कुछ नहीं है, दोनों मोदी की ही वकालत करेंगे। तो कहाँ है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ? हमें तो नहीं दिखता, छात्रों को नहीं दिखता। अगर छात्रों को दिखता तो रोज बात होती। ये तो आपकी बड़प्पन है, आपके मीडिया हाउस का बड़प्पन है कि आप आ रहे हैं छात्रों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, है ना? ये हमारे साथ युवा थे जो DU रीओपन करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।